हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुड़मार के बारे में। गुड़मार के फ़ायदे और इसके औषधीय गुण क्या क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं गुड़मार है क्या। गुड़मार की लता पूरे भारतवर्ष में 600 मीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसका लैटिन में नाम जिमनेमा सिल्विस्ट्रे है। इसका पता सरल विपरीत अंडाकार या लटवाकार भालाकार होती है। पूर्णवंत 6 से 12 मिलीमीटर लंबे और रोमिल होते हैं। पटल 3 से 6 सेंटीमीटर लंबा और 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। पत्ते की गंध अप्रिय, स्वाद कड़वा और तीखा होता है। गुड़मार या मेष श्रृंगी एक बहुत उपयोगी जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में इसके पत्तों और जड़ को औषधीय रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह जड़ी बूटी गुड़ अर्थात मीठेपन को नष्ट करती है। इसका सेवन मधुमेह में बढ़ी हुई रक्त शर्करा को कम करता है। यह मधुमेह, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, इसके उपचार में प्रभावी है। गुड़मार के पत्ते स्वाद में कुछ नमकीन कड़वे होते हैं तथा इन्हें चबाने पर जीभ की स्वाद करने की क्षमता कुछ समय के लिए नष्ट हो जाती है। इसी कारण इसे मधुनाशनी भी कहा जाता है। गुड़मार छोटा, रूखा तथा स्वाद में कड़वा, पौष्टिक और गर्म प्रकृति का होता है। यह कफवात को नष्ट करने वाला, हृदय टाइफाइड को ठीक करने वाला, विष को दूर करने वाला, पथरी, हृदय रोग, बवासीर, जलन, पीलिया और आँख के रोगों को ठीक करने वाला होता है। इसे अधिक मात्रा में सेवन करने से जलन उत्पन्न होती है। मधुमेह तथा डायबिटीज से पीड़ित रोगियों के लिए यह बहुत लाभकारी औषधि है। गुड़मार गठिया जैसी समस्याओं के लिए एक पारंपरिक उपचार है। गठिया रोग के प्रभावी स्तर से यदि गुड़मार का उपयोग किया जाता है तो यह गठिया रोग को विकसित होने से पहले ही रोक देता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं जो गठिया के उपचार में मदद करता है। यह पानी के प्रतिधारण में भी मदद कर सकता है क्योंकि यह एक अच्छा मूत्रवर्धक होता है। गुड़मार का उपयोग कर बढ़े हुए वजन को कम किया जा सकता है। 8 सप्ताह के दौरान शोधकर्ताओं ने मोटापे के लिए चूहों पर अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि गुड़मार के पूरक पदार्थों का सेवन करने से चूहों का वजन में कमी हुई। गुड़मार के पत्तों को दर्द, सोस, पाइलस, अस्थमा, हृदय रोगों, कफ, कृमि, कुष्ठ, आँखों के रोग, घाव तथा दांतों के कीड़ों, प्रमेह और डायबिटीज उपचार में प्रयोग किया जाता है। गुड़मार पत्ती को लेने की औषधीय मात्रा 3 से 6 ग्राम, सूखा पाउडर 1 से 2 टेबल स्पून। गुड़मार की जड़ को अस्थमा, कफ, हृदय रोग, त्वचा के रोग, पेशाब के रोग, रक्त विकार और प्रमेह के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसको लेने की औषधीय मात्रा 1 से 2 ग्राम तथा काढ़े को 30 से 50 ml की मात्रा में लिया जा सकता है। काढ़ा बनाने के लिए 3 से 50 ग्राम पाउडर को 200 ml पानी में उबाला जाता है। जब तक पानी चौथाई रह जाए, इसे फिर छानकर पिया जाता है। आइए जानते हैं इसके कुछ हानिकारक प्रभाव। जिन लोगों को दूध से एलर्जी होती है, उन लोगों में गुड़मार का सेवन करने से प्रतिक्रिया हो सकती है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाले महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए इसे सुरक्षित नहीं माना जाता, इसीलिए इन्हें गुड़मार का सेवन करने से बचना चाहिए। वो लोग जो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक दवाइयाँ या मधुमेह के लिए अन्य दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से बचना चाहिए। अधिक मात्रा से गुड़मार का सेवन करने से यह आपके शरीर में कम रक्त शर्करा को के कारण बन सकता है। गुड़मार ब्लड शुगर कम करने में बेहद प्रभावी है, इसलिए अन्य ब्लड शुगर कम करने वाली दवाओं के साथ इसका सेवन करना असुरक्षित हो सकता है। इस तरह ब्लड शुगर का स्तर जरूरत से ज़्यादा नीचे जा सकता है। ये थी जानकारी गुड़मार के नुकसान के बारे में। तो आइए कुछ फ़ायदे और जान लेते हैं।
गुड़मार्ग कैप्सूल में बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं जिनका उपयोग त्वचा विकारों और संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। डायबिटीज में ऐसी परेशानियां होना आम बात है। गुड़मार्ग का उपयोग त्वचा पर सफ़ेद दाग के प्राकृतिक उपचार तौर पर किया जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गुड़मार्ग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।